खरगोन जिले के स्वामी विवेकानंद सभागार में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और जिला प्रशासन द्वारा 2,33,00,000 रुपये का करार MOU किया गया। इस करार के अंतर्गत इस पूरी राशि की पाई पाई COVID-19 में उपयोग की जाएगी। गुरुवार को हुए अनुबंध के दौरान कलेक्टर गोपाल चंद्र डाट और NTPC के कार्यकारी निदेशक अमीश कुमार गोस्वामी ने अपने संबोधन में कोरोना की लड़ाई में इस अनुबंध को महत्वपूर्ण कदम बताया। आज कोरोना न सिर्फ शहरों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपने पांव पसारने लगा है। इसी के मद्देनज़र खरगोन जिला प्रशासन ने संक्रमितों के उपचार और उनकी पहचान के लिए व्यापक तैयारियां की है। इन व्यापक तैयारियों में एक तरफ घर घर जाकर संक्रमितों की पहचान करना सुनिश्चित किया है, वहीं संक्रमितों का सही समय पर उचित उपचार हो इसके लिए भी विस्तृत और विधिवत कार्य योजना तैयार की गई। कार्य योजना के तहत गुरुवार को कलेक्टर डार्ड ने कहा कि इस कार्य की प्रक्रिया आज से ही प्रारंभ की जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संक्रमितों का उपचार सुनिश्चित किया जा सके। यह अनुबंध न सिर्फ खरगोन शहर के लिए बल्कि पूरे जिले के लिए उपयोगी होगा। इस अनुबंध के तहत खरगोन के साथ साथ कसरावद, बड़वा, सनावद में ऑक्सीजन युक्त आइसोलेशन वार्ड स्थापित होंगे। यह राशि कोरोना से लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। खरगोन से जितिवारी की रिपोर्ट। मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि जब हमारे क्या कहते हैं मैं सर साहब से मिलने आया था इसी महीने के शुरुआत के दिनों में, तो हम लोग एक ऑलरेडी एक हॉस्पिटल जो था यहाँ पे एरिया हॉस्पिटल का, उसका एक एक्सटेंशन प्रोग्राम लेके आए थे। तो साहब ने तुरंत इनके दिमाग में, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो प्रेम है लोगों के प्रति, और वो भी ये कोविड के ज़माने में, इन्होंने तुरंत एक डिसीजन दिया कि गोस्वामी जी इसको हम लोग क्या, अगर इस खरगोन का जो टोटल फैमिली है इसमें अगर हम हर गांव-गांव में भी अगर मैक्सिमम लोगों को इसके अंदर कर सकते हैं तो ये 2.5 करोड़ का चेक होता है क्या है? हाँ, एक्चुअली एक महीने पहले NTPC के गोस्वामी जी मेरे से मिलने आए थे। एक आर एन आर पर कुछ बात करनी थी। वो बेड़िया में एक इनका एक्सटेंशन प्लान था, चूँकि इस समय कोरोना का इफेक्ट हो रहा था इस ज़िले पर, तो हमने इनको कहा है कि RNR में उस प्लान को बंद करिए और हमारे जनता की जान बचाने के लिए, कोरोना से जान बचाने के लिए हमें ऑक्सीजन बेड्स और ICU की आवश्यकता है, तो हम वो पूरा फंड इधर डाइवर्ट कर रहे हैं। हमने इन्होंने उसको तत्काल मान लिया और उस फंड को डाइवर्ट किया। आज उसका MOU हो गया 2.23 करोड़ का। इसमें 250 बेड्स ऑक्सीजन के, आइसोलेशन बेड विद ऑक्सीजन, जो 5 जगह पर रहेंगे पूरे ज़िले में, और 15 बेड ICU के, ये पूरा 2.23 करोड़ में तैयार होगा। हमारा टारगेट है कि हम ऑक्सीजन बेड्स हम 30 जून तक कंप्लीट कर दें और ICU बेड्स भी एज अर्ली एज पॉसिबल हम कंप्लीट करवा पाए। अभी क्या मानते हैं आप? मैं ये सौगात तो निश्चित रूप से बहुत बढ़िया है इस खरगोन जिले के लिए, इससे अच्छी सौगात कोई हो नहीं सकती। लेकिन खरगोन की जनता में अभी भी जागरूकता की भारी कमी है। मेरे बार बार कहने के और शासन के बार बार निर्देश के बाद भी अभी भी मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन प्रॉपर नहीं कर रहे हैं। मैं पुनः अपील कर रहा हूं कि हमें कोरोना से बचना है, हमें अपनी जान बचानी है, तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और हमें मास्क अनिवार्यता लगाना होगा। इसके बिना जान बचना मुश्किल है, जनता को जागरूक होना होगा। मैं फिर अपील कर रहा हूं, ये करें, आम जन करें और खुद अपनी सेफ्टी खुद करें। सर, ये जो पूरा सिस्टम है, हम देखें तो प्रशासनिक स्तर पर ना करके रेड क्रॉस के द्वारा किया जा रहा है, क्या माने इसे हम कि क्या प्रशासनिक स्तर के जो काम होते हैं वो उसमें कहीं ना कहीं कमी? ये नेगेटिव क्वेश्चन है। इसका जवाब मुझे देना नहीं चाहिए, फिर भी मैं दे देता हूँ। हमें कोई भी अकाउंट खोलने पर पाबंदी है शासन की। हम किस अकाउंट में पैसा लें इसके लिए या तो हमें नया कोई समिति बनाकर अकाउंट खोलना पड़ेगा, जिसके लिए गवर्नमेंट की अनुमति लेनी पड़ेगी। लेकिन हमारे पास रेड क्रॉस एक ऐसा अकाउंट है जिसमें हम हर प्रकार का दान, हम डोनेशन ले सकते हैं। तो हमने ये डोनेशन कहें, आर मद कहें, वो रेड क्रॉस के माध्यम से इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये रोगी कल्याण समिति से भी कर सकते थे, लेकिन रेड क्रॉस आसान तरीका है जिसमें स्पीडी काम हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको बहुत बहुत थैंक्स देना चाहता हूँ, खरगोन सारे परिवार को, क्योंकि ये जो अचीवमेंट जो आज हम लोगों ने यहाँ पे ये जो MOU साइन किया है बिटवीन NTPC हम लोगों का और क्या कहते हैं हमारे जो कलेक्टर साहब के निर्देश में जो CMHO
साहब के साथ कि खरगोन में इस कोरोना के अवसर पे हम लोगों ने बहुत सारे 250 बेड्स ऑक्सीजन यूनिट्स अलॉन्ग विथ 15 आईसीयू बेड्स। सी पॉइंट यही है कि एक ड्रीम था ये कलेक्टर साहब ने जो मुझे, मैं जब यहाँ पे इसके पहले जून के ही 3 या 4 तारीख को आया था तभी उन्होंने ये मुझे कहा था, क्योंकि हमारा जो फंड था R&R का NTPC ने, आप शायद आप लोगों को पता होगा, अभी तक 250 करोड़ हर एक डिफरेंट स्थानों पे ऑलरेडी दिया है। और इस फंड के लिए ये जो 2.23 करोड़ में जो हम लोग सेटअप कर रहे हैं ये बेसिकली खरगोन की जान बनेगी, बिकॉज कोविड कोरोना इज गोइंग टू बी देयर। बट जो ये ड्रीम प्रोजेक्ट, ये जो क्या कहते हैं कि हमारे कलेक्टर साहब ने और SP साहब को भी मैं इसमें धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऑलवेज कभी भी कोई कार्य हम लोगों ने किया है ये लोग दोनों ऑलवेज एकजुटते मिले रहे। सबसे इसमें और एक चीज है कि हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।